कीबोर्ड बेसिक्स मॉड्यूल 1 इनपुट। जब हम कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं तो वो कंप्यूटर की इनपुट कहलाती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो चीज कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस सेक्शन में हम आपको एक अहम इनपुट डिवाइस के बारे में तफसील से बताएंगे। कीबोर्ड बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पर मौजूद मुख्तलिफ कीज कौन सी हैं और इन कीज से क्या काम लिया जा सकता है। जैसे कि हम कागज पर कुछ तहरीर करने के लिए कलम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए हम जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अब आप मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड देख रहे हैं। हर किस्म के कीबोर्ड पर तमाम बुनियादी कीज मौजूद होती हैं। हो सकता है कि कुछ कीज की लोकेशन आपके कीबोर्ड पर मुख्तलिफ हो। ये वो कीबोर्ड है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बोर्ड है जिस पर कीज या बटन लगे हुए हैं। इनमें से कुछ कीज का साइज बाकियों से मुख्तलिफ होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक आम से टाइपराइटर जैसा होता है जिसमें कुछ इजाफी कीज शामिल होती हैं। कीबोर्ड पर लगी हुई हर की एक मुनफरिद किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती है। प्रोसेस ऑफ की प्रेसिंग। कीबोर्ड कीज को उंगली की मदद से दबाया या प्रेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया या रिलीज कर दिया जाता है। इस अमल को की स्ट्रोक कहते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कीबोर्ड की किसी की को दबाते हुए उस की को एक मर्तबा दबाना है और फिर छोड़ देना है। अगर आप किसी की को मुसलसल दबाए रखेंगे तो देखें कि उस की का कैरेक्टर बार बार लिखा जाएगा। कीबोर्ड ओवरव्यू। अब हम आपको कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कीज के ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे ए, एस, डी, एफ वगैरह। इन कीज को अल्फाबेट कीज कहते हैं। कुछ कीज के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 वगैरह। इन कीज को न्यूमेरिक या नंबर कीज कहते हैं। इसी कीबोर्ड के हिस्से में कैरेक्टर और नंबर कीज के अलावा कुछ और स्पेशल कीज भी मौजूद हैं जो हाइलाइटेड नजर आ रही हैं। इनको हम थोड़ी देर में तफसील से देखेंगे। कीबोर्ड के बाएं जानेब ऊपर की तरफ अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसके ऊपर ई एस सी यानी एस्केप लिखा हुआ है। ये एस्केप की कहलाती है। ये कीज जो अब आप हाइलाइटेड देख रहे हैं इनको फंक्शन कीज कहते हैं। इनके ऊपर F1, F2, F3 वगैरह लिखा हुआ है। अब हमें कीबोर्ड की दाएं जानेब 4 कीज नजर आ रही हैं जिन पर तीर के निशान बने हुए हैं। ये एरो कीज कहलाती हैं। ये देखिए कीबोर्ड के बिल्कुल दाएं जानेब आपको कीज का एक सेट नजर आ रहा है, इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये कुछ और कीज हैं जो कंप्यूटर पर मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी तफसील हम कुछ देर में देखेंगे। कीबोर्ड के दाएं जानेब ऊपर की तरफ आप 3 छोटी लाइट्स देख रहे हैं। ये लाइट्स कीबोर्ड की कुछ खास कीज के ऑन या ऑफ होने की निशानदेही करती हैं। इनकी तफसील हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कीबोर्ड डिटेल्स। आइए अब हम कीबोर्ड की अहम कीज को तफसील से देखते हैं। कैरेक्टर कीज। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैरेक्टर कीज के जरिए हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या हरूफ लिखते हैं या इनपुट करते हैं। स्पेस बार की। ये देखिए अब आपको एक लंबी की नजर आ रही है, इसे स्पेस बार कहते हैं। असल में इस की को हम स्पेस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक मर्तबा प्रेस करके छोड़ा जाए तो किसी भी 2 कैरेक्टर्स के दरमियान एक स्पेस या फासला हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम वर्चुअल लिख रहे हैं। अब हमने स्पेस बार की एक मर्तबा दबाई है और इसके बाद
یونیورسٹی کا لفظ لکھ رہی ہیں۔ غور کریں کہ دونوں الفاظ کے درمیان اسپیس بار پریس کرنے کی وجہ سے ایک کیریکٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ نمبر کیز، دیکھیے اس طرح نمبرز لکھنے کے لیے ہم ان نمبر کیز کا استعمال کر رہے ہیں، انہیں نمبر کیز کہتے ہیں۔ پنکچویشن کیز، چونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی تحریروں میں پنکچویشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کی بورڈ پر بھی ایسی کیز موجود ہیں جن پر پنکچویشن مارکس ہیں۔ الفابیٹ کیز کے دائیں جانب آپ ان کیز کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے اب ہم نے کوما پریس کیا ہے اور اسکرین پر کوما لکھا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم نے فل اسٹاپ کی پریس کی ہے اور اسکرین پر ایک فل اسٹاپ نظر آ رہا ہے۔ ان کیز کے ساتھ ہمارے پاس دو بریکٹ کیز بھی موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے بریکٹ کی پریس کرنے سے اسکرین پر ایک بریکٹ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک کی بیک سلیش کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے اس کی کو دبانے سے اسکرین پر جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بیک سلیش کہتے ہیں۔ انٹر کی، اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اسے انٹر یا ریٹرن کی کہتے ہیں۔ اس کی کے اوپر انٹر لکھا ہوا ہے اور ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کی بورڈ پر اس کی کے اوپر خالی انٹر لکھا ہو یا صرف تیر کا نشان بنا ہو۔ اصل میں جب ہم کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر میں کچھ لکھتے ہیں تو ایک لائن ختم ہونے سے پہلے اگلی لائن پر جانے کے لیے ہم انٹر کی کو دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ کے دائیں جانب نیومیرک پیڈ پر بھی ایک انٹر کی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی کا استعمال بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ابھی پہلی انٹر کی کے بارے میں دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے۔ دیکھیے کہ اس کی کو دبانے سے کرسر اگلی لائن پر آ گیا ہے اور اب ہم جو لکھ رہے ہیں وہ اگلی لائن پر نظر آ رہا ہے۔ ایکسرسائز اے ون، کیریکٹرز اینڈ اسپیس بار کی۔ آئیے جن کیز کی تفصیل ہم نے ابھی تک دیکھی ہے ان کی کچھ پریکٹس کر لیں۔ آپ کے سامنے ایک اسکرین موجود ہے جس کے دو حصے ہیں۔ نیچے والے حصے میں آپ ایک کی بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس ایکسرسائز میں آپ نے جو بھی ٹائپ کرنا ہوگا اس کی کی آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ پر ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ اسکرین کے اوپر والے حصے میں آپ نے ہدایات کے مطابق مختلف کیریکٹرز ٹائپ کرنے ہیں۔ ایکسرسائز کے پہلے حصے میں آپ ویلکم ٹو سی پی ایل لکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ ڈبلیو کی پریس کریں۔ دیکھیے نیچے کی بورڈ پر یہ کی ہائی لائٹڈ ہے، پریس ڈبلیو۔ اب ای پریس کریں۔ ایل والی کی پریس کریں۔ اب آپ سی پریس کریں۔ او پریس کریں۔ اب کی جس پر ایم لکھا ہوا ہے پریس کریں۔ اب ای پریس کریں۔ اسپیس بار پریس کریں۔ ٹی کی پریس کریں۔ او والی کی پریس کریں۔ پھر اسپیس بار پریس کریں۔ اب سی پریس کریں۔ پی کی پریس کریں۔ اور ایل پریس کریں۔ شاباش، دیکھیے آپ نے ویلکم ٹو سی پی ایل لکھ لیا ہے۔ ایکسرسائز ون بی، نمبرز اینڈ پنکچویشن کیز۔ ایکسرسائز کے دوسرے حصے میں ہم کچھ پنکچویشن کیز کی پریکٹس کریں گے۔ اس میں آپ ڈیٹ اور ٹائم لکھیں گے۔ اس حصے میں بھی آپ کی آسانی کے لیے جو کی دبانی ہوگی وہ نیچے دیے گئے کی بورڈ پر ہائی لائٹ کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ ون کی پریس کریں۔ دیکھیے نیچے کی بورڈ پر یہ کی ہائی لائٹڈ ہے۔ اب آپ فور پریس کریں۔ اب جس کی پر فارورڈ سلیش بنی ہوئی ہے وہ پریس کریں۔ اب زیرو پریس کریں۔ اب ایٹ کی پریس کریں۔ اب آپ فارورڈ سلیش پریس کریں۔ ون پریس کریں۔ نائن والی کی پریس کریں۔ اب آپ فور پریس کریں۔ اب سیون پریس کریں۔ کانگریچولیشنز، آپ نے 14 اگست 1947 کی ڈیٹ لکھ لی ہے۔ اب جس کی پر کوما بنا ہوا ہے اسے پریس کریں۔ زیرو پریس کریں۔ اب تھری پریس کریں۔ جس کی پر ڈیش بنا ہوا ہے اسے پریس کریں۔
2 प्रेस करें। अब 5 प्रेस करें। फिर डैश प्रेस करें। 4 प्रेस करें। अब 6 प्रेस करें। और आखिर में फुल स्टॉप प्रेस करें। शाबाश, आपने पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल भी सीख लिया है। कॉम्बिनेशन कीज। क्या आपको मालूम है कि कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज भी हैं जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं? ये कीज बाकी सारी कीज से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर इनको अलग इस्तेमाल किया जाए तो कोई कैरेक्टर नहीं लिखा आता। इसलिए हम इन कीज को नॉन टाइपिंग कीज कहते हैं, यानी कि वो कीज जिनको दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने दो कीज मौजूद हैं। इनमें बाई जाने वाली की नॉन टाइपिंग की है और दाई जानेब एक आम कैरेक्टर की है। अब आप देखिए कि इन कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले नॉन टाइपिंग की दबा रहे हैं। अब देखिए कि इसको दबाए रखते हुए हम टाइपिंग की दबा रहे हैं। इसके बाद हम दोनों प्रेस्ड की को छोड़ रहे हैं। ये तरीका इस्तेमाल तमाम नॉन टाइपिंग कीज के लिए है। ऑल्ट कीज, स्पेस बार के दाएं और बाएं जानेब आपको दो एक जैसी कीज नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कीज पर ALT यानी ALT लिखा हुआ है। ALT alternate का मुखफ्फ है। इन दोनों कीज को ALT कीज कहते हैं। ये भी नॉन टाइपिंग कीज हैं जो किसी भी टाइपिंग की के साथ इस्तेमाल हो सकती है। इन दोनों ALT कीज का काम एक ही है। ये दूसरी ALT की सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है। यूजिंग ALT कीज, फर्ज करें कि हमें कोई काम करने के लिए ALT की को F के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमने ALT की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम F की दबा रहे हैं। गौर करें कि ALT की अभी भी दबी हुई है। अब F की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने ALT और F कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। इस बात का ख्याल रखें कि ALT की को F के साथ इस्तेमाल करते हुए अगर हम ALT की प्रेस करते हैं और उसके बाद F की प्रेस करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह सिर्फ F टाइप होगा। इसी तरह अगर आप पहले F की प्रेस करते हैं और उसके बाद ALT की दबाते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। इस तरह भी सिर्फ F टाइप होगा। इसलिए खास ख्याल रखें कि पहले ALT की दबाई जाए और इसे दबाए रखते हुए F की दबाई जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। कंट्रोल कीज, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं जानिब नीचे कोने में एक की है जिस पर CTRL यानी कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये एक और की है जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है। हम इन दोनों कीज को कंट्रोल कीज कहते हैं। इन दोनों कीज का काम एक ही है और आपकी सहूलत के लिए ये दो जगहों पर मुहैया की गई है। कंट्रोल की भी ALT की तरह नॉन टाइपिंग की है जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग कंट्रोल कीज, देखिए अगर हमने कंट्रोल की को A के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके सामने सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम A की दबा रहे हैं। गौर करें कि कंट्रोल की अभी भी दबी हुई है। अब A की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने कंट्रोल और A कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। कैप्स लॉक की, अब आप एक और की देख रहे हैं जिसके ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है। इसे हम कैप्स लॉक की कहते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड्स में कैप्स लॉक की ऑन या ऑफ स्टेट को जाहिर करने के लिए एक छोटी सी लाइट भी होती है। कैप्स लॉक की को एक मर्तबा प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है और इसी की को दोबारा प्रेस करने से ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसीलिए ये भी एक टॉगल की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हर टाइप होने वाला लेटर एक कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर होता है।
इसी तरह आप देखें कि अब कैप्स लॉक की ऑफ है और हर टाइप होने वाला लेटर एक स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर है। ये बात याद रखिए कि कैप्स लॉक की का इफेक्ट कीबोर्ड की सिर्फ अल्फाबेट कीज पर होता है, यानी इसका इफेक्ट नंबर कीज, फंक्शन कीज और दीगर कीज पर नहीं होता। शिफ्ट कीज। अब जो की आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर शिफ्ट लिखा है और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक और की है जिसके ऊपर भी शिफ्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कीज को शिफ्ट कीज कहते हैं। शिफ्ट की भी ऑल्ट और कंट्रोल की तरह नॉन टाइपिंग की है, जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। यूजिंग शिफ्ट कीज विद कैरेक्टर्स। आइए हम शिफ्ट की को के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सबसे पहले हमने शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम के दबा रहे हैं। अब के की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। देखिए, आपके सामने के कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि कैप्स लॉक की भी ऑफ है। जी हाँ, शिफ्ट की जब भी कैप्स लॉक की ऑफ स्टेट में किसी कैरेक्टर की के साथ मिलाकर इस्तेमाल होती है तो एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी तरह देखिए कि अब कैप्स लॉक की ऑन है। पहले हम शिफ्ट की दबाए बगैर कुछ कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और ये सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं। अब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हुए शिफ्ट के साथ यही कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और देखिए अब ये सब स्मॉल लिखे जा रहे हैं। मुख्तसरन, शिफ्ट कीज अल्फाबेट्स की स्टेट्स को चेंज करने के काम आती हैं। यानी अगर अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो लोअर केस, और अगर लोअर केस में हैं तो अपर केस में करने के लिए। यूजिंग शिफ्ट कीज विद स्पेशल सिंबल्स। अब जरा इन कीज पर गौर करें। आप देख रहे हैं कि हर की के ऊपर दो दो सिंबल्स लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई की दबाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा सिंबल लिखना चाह रहे हैं। शिफ्ट की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखिए, ऐसे कीज के केस में जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो तो देखिए, हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है, अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है। विंडोज की अगली कीज जो आप देख रहे हैं विंडोज की कहलाती हैं। ये आमतौर पर कीबोर्ड के निचले हिस्से में ऑल्ट की के साथ होती हैं। विंडोज की के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो बना हुआ है। इस की के बारे में हम आगे कोर्सेज में तफसील से जानेंगे। टैब की। कैप्स लॉक के साथ आप एक अहम की देख रहे हैं जिस पर TAB यानी टैब लिखा हुआ है। इसे टैब की कहते हैं। टैब की एक मर्तबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका कर्सर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस दाएं जानिब चला जाता है। देखिए, आपके सामने हम वर्चुअल लिख रहे हैं और अब हमने टैब की प्रेस की है और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने टैब की प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ स्पेसेस दाएं तरफ आगे चले गए हैं। बैक स्पेस की। अब जो की आप देख रहे हैं इसे बैक स्पेस की कहते हैं। असल में बैक स्पेस की एक मर्तबा दबाने से बाएं जानिब का एक कैरेक्टर मिटाया जा सकता है। यानी जिस तरह कागज पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है, इसी तरह कंप्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है।
इसके लिए बैकस्पेस की भी इस्तेमाल होती है। चलिए अब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिखते हैं। ओहो, हमने यूनिवर्सिटी के लफ्ज में 3 वाई गलती से डाल दिए हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, अब हम एक मर्तबा बैकस्पेस की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक वाई मिट गया है। इसी तरह हम एक और मर्तबा इसे प्रेस कर रहे हैं और बाएं जानिब का एक और वाई मिट गया है। एरो कीज, कीबोर्ड के दाएं जानिब 4 कीज का एक सेट आप देख रहे हैं, जिन पर 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एरो या तीर के निशान बने हुए हैं। इनको एरो कीज कहते हैं। इस की पर तीर का निशान दाएं तरफ को है, इसे राइट एरो की कहते हैं। इसी तरह ये की जिस पर तीर का निशान बाईं तरफ को है, इसे लेफ्ट एरो की कहते हैं। देखिए, इस की पर तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ये अप एरो की कहलाती है। और इस की पर तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये डाउन एरो की कहलाती है। आपके सामने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, गौर करें, कर्सर दरमियान में है। देखिए, अप एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर अपनी पहली जगह से एक लाइन ऊपर चला गया है। इसी तरह डाउन एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर एक लाइन नीचे चला गया है। राइट एरो की को दबाने से देखिए, कर्सर एक कैरेक्टर दाएं तरफ चला गया है। और अब लेफ्ट एरो की को दबाने से कर्सर एक कैरेक्टर बाईं तरफ चला गया है। इस तरह हमने देखा कि एरो कीज कंप्यूटर पर काम करते हुए दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटर की और नंबर पैड, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानेब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए आपको ये की इस्तेमाल करनी हो तो आप इसी पैड पर मौजूद एंटर की यूज कर सकते हैं। सम अदर स्पेशल कीज, एरो कीज के ऊपर आप कुछ स्पेशल कीज देख रहे हैं, जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन की कीज शामिल हैं। डिलीट की, इंसर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि डिलीट की है। जिस तरह बैकस्पेस की प्रेस करने से बाईं जानिब का यानी पिछला कैरेक्टर मिटाया जाता है, इसी तरह देखिए, अगर हमने अगला यानी दाईं जानिब का कैरेक्टर मिटाना हो तो उसके लिए डिलीट की इस्तेमाल की जाती है। होम एंड एंड कीज, होम की किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो कि आप हाइलाइटेड देख रहे हैं, इसे एंड की कहते हैं। एंड की किसी भी लाइन के आखिर में या एंड में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। पेज अप, पेज डाउन कीज, होम की के साथ आप देख रहे हैं कि पेज अप की है। फर्ज करें कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके 3 सफ़े हैं और इस वक्त हमारा कर्सर दूसरे सफ़े पर है। अगर हम पिछले सफ़े पर जाना चाह रहे हूँ तो देखें, हम इसके लिए पेज अप की इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा कर्सर पहले सफ़े पर आ गया है। इसी तरह अगर हम अगले सफ़े पर जाना चाहें तो देखिए, पेज डाउन की मदद से हम पिछले सफ़े पर आ गए हैं। इस तरह पेज अप की ऊपर जाने के लिए और पेज डाउन की एक सफ़ा नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट स्क्रीन की, अगली की जो आप देख रहे हैं वो प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की एक खास की है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तस्वीर को वक्ती तौर पर कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की, अगली की जो आप देख रहे हैं उसे स्क्रॉल लॉक की कहते हैं। पॉज, ब्रेक की, इसके साथ आप एक और की देख रहे हैं जिसे पॉज या ब्रेक की कहते हैं। एप्लीकेशन की, एक आम की जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो एप्लीकेशन की है। ये एक ऐसी की है जिसको दबाने से स्क्रीन पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन नजर आती हैं। नंबर पैड, अब हम कीबोर्ड के दाएं जानेब एक सेट ऑफ कीज देख रहे हैं जिसे नंबर कीपैड
या न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक पैड नंबर कीज और मैथमेटिकल सिंबल्स का ग्रुप है। इसके अलावा इसके ऊपर एक टॉगल की भी मौजूद है जिसे नम लॉक की कहते हैं। गौर करें कि नंबर कीज के ऊपर कुछ जानी पहचानी कीज के सिंबल भी मौजूद हैं, जिनमें पेज डाउन, इंसर्ट, एंड, डिलीट और पेज अप वगैरह शामिल हैं। नम लॉक, जब नम लॉक की ऑन होती है तो कीबोर्ड पर मौजूद ये लाइट भी ऑन हो जाती है, जो ये जाहिर करती है कि नम लॉक की ऑन स्टेट में है। देखिए कि अब 4, 2 और 8 की कीज दबाने से यही नंबर्स लिखे जा रहे हैं। जब नम लॉक की ऑफ होती है तो देखिए कीबोर्ड पर मौजूद लाइट भी ऑफ हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि नम लॉक की ऑफ स्टेट में है। देखिए, क्योंकि अब नम लॉक की ऑफ है इसलिए 4 दबाने से नंबर टाइप नहीं हो रहा, बल्कि ये लेफ्ट एरो की का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक पैड की कुछ कीज पर मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस साइन, माइनस साइन बने हुए हैं। ये कीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए अगर आपको ये एंटर की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ये की इस्तेमाल की जा सकती है। समरी, कीबोर्ड बेसिक्स के सेक्शन में अब तक जिन कीज के बारे में आपको बताया गया है उनके नाम ये हैं: अल्फाबेट कीज, स्पेस बार, एस्केप की, फंक्शन कीज, नंबर कीज एंड सिंबल्स, ब्रैकेट कीज, बैकस्लैश की, पंक्चुएशन कीज, एंटर की, ऑल्ट कीज, कंट्रोल कीज, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, शिफ्ट प्लस नंबर कीज, विंडोज कीज, टैब की, बैकस्पेस की, एरो कीज, अल्टरनेट एंटर कीज, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की, पॉज ब्रेक की, एप्लीकेशन की, न्यूमेरिक पैड, नम लॉक की, एडिशनल नेविगेशनल कीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज। हमने कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड कीज के बारे में बहुत डिटेल से देख लिया है। होम एक्सरसाइज, आप नीचे दी गई लाइन की मदद से कीबोर्ड पर मौजूद तमाम कैरेक्टर कीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।